सो फाइनली दिसंबर का भी 15 दिन गुजर चुका है, ऑलमोस्ट आधा दिसंबर हमारा फिनिश हो गया है और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा मैंने पिछले वीडियो में, जैसे इस तरीके से हमारी बातचीत हुई थी, उस वीडियो में मैंने बोला था कि अभी जितना पढ़ लिया उतना रहने दो, अब आगे नया मत पढ़ो और टेस्ट पे फोकस करो। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि उस वीडियो के बाद सभी लोग अपना टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। टेस्ट बाय टेस्ट, एक एक करके टेस्ट देते जाओगे तो थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होते जाएगा। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बता रखा कि आपको किन चीजों पे फोकस करना है। ठीक है, हमें इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस भी अगर हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्रैक कर लिए, जो आप अटेम्प्ट ले रहे हो वही बहुत एक्यूरेसी से कर दिया, तो काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो कॉन्फिडेंटली टेस्ट दीजिए, टेस्ट से बिल्कुल मत भागिए। टेस्ट में नंबर का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, उसको ही मत देखिएगा। और सिर्फ ये देखिएगा टेस्ट में कि मैं जो अटेम्प्ट ले रहा हूं वो क्या सही आ रहा है, और वो गलत अगर हो रहा है, मैंने अटेम्प्ट लिया इसका मतलब मुझे कॉन्सेप्ट आता था, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो उस गड़बड़ को जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करो, रिविजन करो और फिर वापस नए टेस्ट दो। ठीक है, तो फुल लेंथ टेस्ट भी देना धीरे धीरे अब स्टार्ट करो, और शुरू शुरू में डेली बेसिस में ना दे के शुरुआत में कुछ अल्टरनेट डेज में दो, और फिर 10-20 जनवरी के बाद आप रेगुलरली फुल लेंथ टेस्ट में अपियर हो सकते हैं। ठीक है, और जी सेंट्रिक पे आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है सिंस जब से ये चैनल बना है, जब से मेरा वीडियो पहली बार आया था इस चैनल पे, जब से आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा प्यार किया है। तो 2019 से हमारी जर्नी, हमेशा हम लोग ट्राई करते हैं कि बहुत कुछ अच्छा आपको प्रोवाइड करें, हर दिन कुछ नया मोटिवेशन होता है, नई एनर्जी के साथ में हर एक बार कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ हर एक सेशन में कुछ ना कुछ देते आए हम लोग, और साथ साथ में आपके साथ जुड़ाव रहा, और उस साथ साथ में हमारी जिंदगी भी आगे बढ़ती गई। सगाई हुई, शादी हुई, और अब पिछले 10 दिनों से मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था चैट बॉक्स पे भी। उसका रीजन ये था कि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है मेरे जीवन में, और मेरे साथ साथ मुझे लगा कि आप लोगों को भी शेयर करना चाहिए। माँ दुर्गा बोले, माँ लक्ष्मी बोले, माँ सरस्वती बोले, माँ विष्णु ही बोले कि अवतार में मेरे घर पे माता रानी पधारे हैं, मुझे एक बेटी के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो उसके लिए ऊपर वाले का तो तहे दिल से शुक्रिया, और आप सभी लोगों को, क्योंकि जी सेंट्रिक पूरा परिवार में अपना परिवार मानता हूँ, हर फेस्टिवल पे आपको विश करता हूँ, हर एक छोटी छोटी चीजें जहां जहां मुझे लगता है कि आपको सही राह दिखानी चाहिए वहां पे मैं आपके साथ में रहता हूँ। तो मुझे लगा कि ये गुड न्यूज भी आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए, तो बस इसीलिए मैं 10 दिन से थोड़ा सा मेरा जो वर्क चल रहा था असाइनमेंट में जो चल रहा था, लाइक रिंग बूस्टर पावर सिस्टम, उसकी जो चौथी यूनिट चल रही है फॉल्ट एनालिसिस, उसको भी हम लोग जल्दी से वाइंड अप करेंगे, और बहुत जल्दी से रिंग बूस्टर पावर सिस्टम का भी हम लोग पूरा कोर्स जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और साथ में जो भी क्वेरी हो आपकी, जो भी क्वेरी हो आपकी चैट बॉक्स पे डाल दीजिएगा। वैसे तो मैंने पिछले 2 दिनों में जो फ्री हो गया था मैं, तो 2 दिन से मैंने सारे क्वेरीज के रिप्लाई कर दिए हैं, बट स्टिल किसी का रह गया हो तो आप जी सेंटर के ऐप के चैट बॉक्स पे क्वेरीज डाल सकते हैं। अच्छा, अभी मुझे बहुत कुछ ऐसे कॉल आए जिनको मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया, मेरी टीम रिसीव नहीं कर पाई, और हम लोगों ने जब उनको कॉल बैक किया तो बहुत सारे स्टूडेंट जो बिगनर हैं, लाइक इंजीनियरिंग में आए हैं, अब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हैं, कोई डिप्लोमा से सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है, तो उस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट का दिमाग में रहता है कि सर सेमेस्टर को कैसे डील करें। तो जो भी बिगनर है स्टूडेंट, जो सेमेस्टर के साथ साथ गेट का तैयारी करना चाहता है, या टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा है, IRMS का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो टेक्निकली बहुत अच्छे से साउंड रहे हो, क्योंकि कब अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप चैट बॉक्स में जो भी हो, जैसा भी क्वेरी हो, अपना ऑडियो फॉर्मेट में भेज सकते हो, कुछ भी पूछना वो पूछ सकते हो। ठीक है, और जी सेंट्रिक तो वैसे ही एक अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म बहुत शुरू से रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी डाल रखे हैं, फुल लेंथ भी डाल रखे हैं, मंथली भी डाल रखा है, सब कैटेगरी में हम लोगों ने अवेलेबल करा रखा है आपको। ठीक है, और नई एनर्जी आई है, मैं नई एनर्जी फील कर रहा हूँ, और आपको बता नहीं सकता इस तरह की खुशी होती है एक फैमिली में, एक नन्ना सा बोल सकते हैं नन्ही सी देवी रूपी बेटी जब आती है ना, तो उसका खुशी का लेवल मैं शब्दों में तो बयान कर ही नहीं सकता हूँ। तो बस ये मुझे इंफॉर्मेशन शेयर करना थी, और जनवरी से मशीन पावर सिस्टम को लेके मैं थोड़ा सा कुछ सोच रहा हूँ कि बढ़िया से और बेहतर वे में किस तरीके से चीजें दी जाए आपको, और अगले सेशन के लिए और क्या नया किया जाए, उस सब चीजों के बारे में हम लोग जनवरी में बात करेंगे। तो 23 वाले एस्पिरेंट बहुत अच्छे से अपना टेस्ट सीरीज दीजिए, बहुत कॉन्फिडेंटली होके। जिंदगी में देखो कठिनाई आती है, सब कुछ होता रहेगा, चीजें सीखने के लिए समय देना पड़ेगा आपको, टाइम कई बार लगेगा चीजों में, बट
थोड़ा टाइम लगाओगे, थोड़ा इनपुट्स दोगे, थोड़े सही डायरेक्शन से चीजें करोगे, तो डेफिनेटली आपने अपने जो सपने देख रखे वहां पहुंच जाओगे। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट गेट 23 के लिए, कि भाई अभी जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो बहुत अच्छे से दीजिए, और जो भी स्टूडेंट नई बिगनिंग करना चाहते 24, 25, 26 गेट के लिए या और भी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ हर एक सब्जेक्ट इंडिविजुअल भी अवेलेबल है, तो जो भी गाइडेंस रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हो आप, और जो सब्जेक्ट लेना है वो ले सकते हो। ठीक है गाइस, तो कॉन्फिडेंट होके तैयारी करते रहिए। ओके, बाय बाय।